ये चार ऑप्शन हैं: री स्टार्ट शट डाउन स्लिप एंड लॉक आपको जनरली सभी विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में मिलते हैं अगर आप ऑलरेडी ये ऑप्शन जानते हैं तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं सो लेट्स कंटिन्यू रीस्टार्ट यहाँ पर रीस्टार्ट का मतलब है कंप्यूटर या फिर लैपटॉप और कोई भी डिवाइस जिसको फिर से स्टार्ट किया जाए सो so, कंप्यूटर या लैपटॉप को रीस्टार्ट करने के लिए जो शॉर्टकट की यूज करनी है वो है कंट्रोल ऑल्ट एंड डिलीट एंड सेलेक्ट द रीस्टार्ट ऑप्शंस फ्रॉम द मेन्यू सेकेंड ऑप्शन शट डाउन पीसी या लैपटॉप को शटडाउन करने के लिए प्रेस ऑल्ट एफ फोर एंड देन डायलॉग बॉक्स से शटडाउन ऑप्शन चूज करना है एंड ये सिर्फ तभी वर्क करता है जब डेस्कटॉप स्क्रीन एक्टिव होती है तो इस तरह से आप अपने कंप्यूटर सिस्टम को शट डाउन कर सकते हैं नेक्स्ट जो ऑप्शन है आपका स्लिप स्लिप मतलब आपका डिवाइस ऑन रहता है लेकिन लो पावर यूज़ करता है और जब आप इसे टर्न ऑन करते हैं तो वही सेम विंडोज़ एंड एप्लीकेशन एंड टैब्स ओपन रहते हैं जो आपने स्लिप मोड स्लिप मोड से पहले ऑन किए थे स्लिप मोड एक्टिवेट करने के लिए सेम ही शॉर्टकट की है जो शटडाउन के लिए थी ऑल्ट एफ फोर एंड डायलॉग बॉक्स से स्लिप ऑप्शन चूज कर रहे हैं लॉक जैसे फ़ोन में हम स्क्रीन लॉक यूज़ करते हैं उसी तरह हम पी सीज में भी लॉक स्क्रीन यूज करते हैं लॉक स्क्रीन की शार्टकट की है विंडोज़ प्लस एल सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल्स टू गेट मोर कॉन्टेंट ऑन कंप्यूटर बेसिक्स